पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कीमतें हैं वो 90 रुपए 62 पैसे है अब। वो तो सरकार को देखना चाहिए कि आम आदमी को दिक्कत है कि नहीं है। सरकार को इन चीजों पे गौर करना चाहिए ना कि। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सनी मलिक। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी है वो हो रही है, और आज सोनीपत में पेट्रोल है वो 100 के पार है, वो पहुंच चुका है, और जो डीजल की कीमतें हैं वो 90 रुपए 62 पैसे है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कल पेट्रोल था वो 99 रुपए के आसपास था, और आज 80 पैसे की बढ़ोतरी है, जिसके बाद आज शतक है वो पेट्रोल ने सोनीपत में लगा दिया। देखिए तस्वीरें सोनीपत के एक पेट्रोल पंप की मैं आप दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो वाहन चालक है अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाने हैं वो आ रहे हैं, उनसे जाने कि आखिरकार जो ये कीमतें हैं उन पर उनको कितना असर पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? जेब तो पे तो असर तो पड़ेगा ही भैया जी, बहुत पड़ रहा है। अब चीज़ें रेट ऊंची होंगी तो जेब तो डाउन आएगी ना, तो वो तो सरकार को देखना चाहिए कि आम आदमी को दिक्कत है कि नहीं है। सरकार को इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए ना कि अपनी जो ड्यूटी है वो घटाएं, तो आम आदमी जो जिस पे इनकम का सोर्स है वो तो सहन कर लेता है, जिस पे इनकम सोर्स नहीं है वो कैसे सहन करे। मान लो जिसकी एक लिमिट है इनकम की, तो उस पे तो असर पड़ता ही पड़ता है। देखिए जो पेट्रोल और डीजल डलवाने जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वाहन चालक यहाँ पर आ रहे हैं, उनका एक यही कहना है कि सरकार को अपनी जो ड्यूटी है उसको कम करना चाहिए, तो ताकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़े। हमारे साथ जो करिंदे हैं पेट्रोल पंप के, उनसे भी हम जानेंगे आखिरकार कितना आज पेट्रोल बढ़ा है। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र जी, कितना बढ़ा आज पेट्रोल के दाम, कितना इजाफा? 80 पैसे बढ़े जी। अच्छा, जो पहले जिस तरह से वाहन चालक आते थे, क्या उनमें कोई गिरावट आई है तेल डलवाने में? गिरावट तो आई है जी, महंगा होने पर। देखिए वाहन चालकों की संख्या में भी भारी गिरावट है वो पेट्रोल पंपों पर देखी जा रही है, और लगातार आम जनता इस महंगाई से त्राही त्राही है वो हो रही है। हालांकि सरकार है इसको कंट्रोल करने की बातें हैं, वो कह रही है कि हम लगातार कंट्रोल कर रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि एक स्पष्टीकरण ये भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वार के चलते भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आज सोनीपत में पहली बार पेट्रोल ने वो 100 का आंकड़ा है वो पार किया है। आज सोनीपत में पेट्रोल के दाम है वो 100 रुपये 40 पैसे हैं, तो लगभग 50 पैसे के आसपास है वो डीजल के दाम बढ़े हैं। आज सोनीपत में 91 रुपये 62 पैसे डीजल के दाम हैं। ज़्यादा खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।